नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 10,000 से अधिक जवानों के कंधों पर होगी पीएम की सुरक्षा, एयरपोर्ट से लेकर शहर तक तगड़ी चौकसी। आज वाराणसी से आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा अभेद्य रहेगी। 5 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहने वाले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है। आज वाराणसी दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा अभेद्य होगी। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रहेगी। एसपीजी एनएसजी के कमांडो के अलावा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पुलिस पीएसए और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के 10,000 से अधिक जवान तैनात रहेंगे। एयरपोर्ट से शहर तक आवाजाही वाले रूट के किनारे रूफ टॉप फोर्स तैनात रहेगी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बुधवार को टच एंड गो एसपीजी ने डमी फ्लीट का ग्रैंड रिहर्सल किया। इसके पूर्व केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने एयरपोर्ट अर्जली बाजार स्थित एलटी कॉलेज रुद्राक्ष में बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप दिया। वहीं पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने पुलिस लाइन में अभिगत सुरक्षा के बाबत पुलिस अधिकारियों सहित फोर्स को भी ब्रीफ किया। 5 स्तरीय सुरक्षा घेरे में रहने वाले प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो, इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने फोर्स को ब्रीफ करते हुए कहा कि आमजन की गतिविधियां पर मुस्तैदी से नजर रखे, बैरिकेडिंग के बाहर कोई न आ पाए, इसका पूरा ध्यान रहे, बगैर पास के किसी को भी कार्यक्रम स्थल पर जाने नहीं दिया जाए, आईडी और फोटो मिलान के बाद ही आगे जाने दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार दोपहर विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड पर उतरेंगे और यहां से फिर प्रस्तावित कार्यक्रम इस सड़क मार्ग से जाएंगे। इसके पूर्व एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने गहनता से जांच पड़ताल की। काशी दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी के आतिथ्य परंपरा के साथ हर हर महादेव के जय घोष और अमरू की निनाद के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने की तैयारी है। सड़क के दोनों किनारे पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही बटूक डमरू दल के सदस्य खड़े रहेंगे। शहर में सिग्रा स्टेडियम रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक बांस बल्ली की बैरिकेडिंग कराई गई है। यहां भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही डमरू दल बटूक कतारबद्ध होकर खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।